लास्ट वाले व्लॉग में आपने देखा हमारा पंखा बहुत धीरे धीरे चल रहा था, अभी भी धीरे है, लेकिन हमने इसको एक नंबर पर चला रखा है। अभी 2, 3 और 4, अब आप इसकी रफ्तार देखो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग। कल से हम फतेहपुर से कवाटी में थे और आज हम जा रहे हैं फतेहपुर से, यानी फतेहपुर से कवाटी से 22 किलोमीटर दूर मंडावा। पीछे है बावड़ी गेट बस स्टैंड, सामने आपको दुकान दिख रही है ना, इसके जस्ट पास में। और यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर अभी हम आए हैं और ये हम पहुँच गए हैं मंडावा स्टैंड। लेकिन अभी हमें यहाँ पर कोई बस नहीं दिखाई दे रही है। और देखिए बस स्टैंड भी बस चौराहे पे ही, यहाँ पर टीन डाल के ये बस स्टैंड बना दिया। क्या विचार है? इंतज़ार करना पड़ेगा। पूछो। आ गई बस आ गई। परसों का ये बस में हम 22 किलोमीटर लिख रहा है, यहाँ 24 किलोमीटर सही है। दो किलोमीटर कैसे बढ़ गया? बढ़ जाए तो। टिकट 50 का ये भी। हम मंडावा पहुँच चुके हैं और जहाँ से हम बैठे थे फतेहपुर से, वो जगह है सीकर डिस्ट्रिक्ट में और मंडावा जो है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है। सुबह जब मैं इसका मतलब हम लोग बॉर्डर पे थे। हाँ बिल्कुल, बॉर्डर पे ही हैं। बॉर्डर के उस पार फतेहपुर से कवाटी, बॉर्डर के इस पार मंडावा। तो मतलब 10 किलोमीटर के दायरे में बॉर्डर होगा ना, 20 किलोमीटर तो कुल दूरी होगी। हाँ बिल्कुल, दोनों जगह के बीच में है बॉर्डर। सुबह जब मैं ब्लॉग शूट कर रहा था तो अभिन भाई कह रहे थे, यार सतेंद्र भाई आज आप थोड़े से सैड लग रहे हो, ऐसा आपको कैसे लगा? अच्छा जब वो इंट्रो शूट किया था ना, तो इंट्रो मैंने देखा तो उसमें लग रहा है, ये लोग नहीं बताएंगे अगर इनको भी। अरे नहीं, मुझे तो नहीं लगा यार मैं सैड हूँ, कि मैं तो बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। ये है ढाड़निया पार्क मंडावा। लास्ट व्लॉग में आपने फतेहपुर शेखावाटी की सुंदर हवेलियों को देखा, आज के इस व्लॉग में आप देखोगे मंडावा की सुंदर खूबसूरत हवेलियाँ। यह है होटल राधिका हवेली, इसके मुख्य द्वार पर दो हाथियों की प्रतिमा लगी है, बीच में सूर्य नारायण। ये एक आर्य समाज होम्योपैथिक चिकित्सालय है, इसके जस्ट ऊपर देखिए दो शेर बैठे हैं स्वागत करने के लिए। लास्ट हम परसों आए थे मंडावा और जब मंडावा से हम वापस फतेहपुर जा रहे थे तो बस में एक भाई हमसे पूछ रहे थे कि आप यहाँ क्यों आए। हमने कहा कि हम यहाँ घूमने आए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि यहाँ पर घूमने को है क्या। अब आप बताइए, इतने गजब के यहाँ पे महल हवेलियाँ हैं लेकिन यहाँ के लोगों के लिए उनकी कोई महत्वता नहीं है। सुबह के 10:30 बजे हैं, हम पहुँचे हैं मंडावा कोठी के सामने बने इस कुआ पर। बहुत ही विशाल का कुआ है ये, और पीछे वहाँ पे लिखा हुआ है मंडावा कोठी। ये है पूरी मंडावा कोठी। अगर आपको कुर्सी चाहिए तो यहाँ से फैंसी कुर्सी खरीद सकते हैं आप। कुआ दिखा देता हूँ, एक कुआ मैंने देखा बहुत गहरा है। पहले आप इसकी चोटी देखिए। इसके अलावा मैं यहाँ से फ़ोन छूट ना जाए कहीं। हाँ जी अब सही है, कबूतर बैठे नीचे ना। इसमें नीचे भी ये तख्ते लगा रखे हैं। अरे तो इसने मुझे भी वहाँ वो बीच में मिली थी ना। हाँ हाँ। जब मैं घर पे रहता हूँ तो अधिकतर मेरा समय जो है नोहरे में व्यतीत होता है। आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए कि सतेंद्र भाई ये नोहरा क्या होता है, तो नोहरे को हम नोहरा ही बोल सकते हैं, भैंसन का बाड़ा बोल सकते हैं, तवेला बोल सकते हैं, घेर बोल सकते हैं। लेकिन अभी मुझे एक नोहरा दिखाया है, वो है ये। तो यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है यह ज़मीन बल्लभ दास जी जोशी की है, बिकाऊ नहीं है। और कोष्ठक में लिखा हुआ है नोहरा शशिकांत जोशी। अब समझ में आया आपको नोहरा क्या होता है? कार्यालय पंचायत समिति मंडावा झुंझुनू। सुबह के 11:30 बजे हैं और अभी हम मंडावा से एकदम बाहर साइड में हैं। ये जो रोड है ना, ये बाहर की तरफ जा रहा है। वो अंकल जी नाम भी बताया था, भूल गया मैं। किसका? ये इधर रोड जो जा रहा है। भैया आप तो थे नहीं वहाँ पर जब मैंने पूछा था। 11:30 बज गए हैं, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, बस थोड़ा सा चाय नाश्ता किया था। अब कुछ हैवी खाते हैं तो अंदर चलते हैं, कुछ हैवी मिल ही जाएगा कल की तरह। ये रेस्टोरेंट है क्या? हाँ यार एक यहाँ पर भी है, ये रेस्टोरेंट है शायद, ये इसमें चलते हैं अगर
हो जाए जुगाड़ तो बढ़िया है, यहीं पे खा के निकल लेते हैं। सुबह जब हम रूम से निकले थे तब से अब तक शांति नहीं मिली थी, धूप में घूमे थे इधर से उधर, और अभी 12 बज गए यार, दोपहर हो गया। अभी पंखी के हवा में सुकून मिला है। जीमन रेस्टोरेंट, जल्दी खाना मिल गया यार, कल तो 6 बजे खाना, कल खाना 6 बजे आया था, अब के बाद आनंद इसको सलाद भी मंगा लेंगे यार। हाँ ये निकाल लो हमसे ऐसे, अरे यार तुम तो चीनी ले आए, मिस्त्री मिले का भैया गंगा जल पीते हो का, ये बता तो हमें कि ऐसे खाने में तुम ऐसे काय करते हो, ये भोले बाबा का प्रसाद है भैया। अच्छा समझो, ऐसे तो ऐसे करते हैं ना, गंगा जल पीते ना पियो पियो, पीने को ऐसे करते हैं तुम तो यार, ऐसे करते हो भोले बाबा का प्रसाद भैया, ये समझ रहे हो। सौंप तो यार काफी बड़ी है ना, सौंप तो ये पूरी हो गई तो। चलो बैग 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 लो अपना, पंखा बंद कर दें यार। कहाँ, अरे फूड वोट ना के जा, चलो भाई साहब कौन से जय दोपहर हो रही भाई साहब, देखो अगर शाम के टाइम आते ना हम तो देखो यहाँ पे बैठ के खाना खाते कितना मस्त लगता है ना यार। अविन भाई यहाँ से तो मस्त लग रहा है यार, देखो ये फवारे शायद शाम को चला दूंगे ये। चलो यहाँ पर देखी ना, मतलब तो ऐसा था ना ठंडा था पूरा, देखो ये दीवार भी ठंडी है, ये दीवार भाई साहब यहाँ की बहुत ही तगड़ी तगड़ी बनी है, समझ रहे हो, बाहर निकलते ही पूरा गर्मी तो यार। देखो दीवारों पे पेंटिंग देखो बहन भाई, पेंटिंग तो यार मंडावा के अंदर सभी मतलब हवेली मस्त मस्त वाली मस्त तो मिलेगी यार, हवेली तगड़ी तगड़ी। तो यार एक बात अविन भाई, जो हमने को खाना लेके आया था ना वो मीनू बार में कुछ और लिखा था, यहाँ पर लिखा है शाही पैलेस होटल, उसमें कुछ और लिखा था, ऐसा हो सकता मैं बताऊं, इसके अंदर जो रेस्टोरेंट है ना वो अलग दूसरे नाम से होगा। बैठे बैठे पुराना टेलीफोन एक्सचेंज मंडावा, अभी भी टेलीफोन एक्सचेंज काम करता है यहाँ पे यार, इस गली में से निकलते ना ये हवेली बड़ी शानदार है यार। ये है मंडावा का किला, हालांकि अभी ये होटल में परिवर्तित कर दिया गया है, किले के बारे में यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है, वीडियो पॉज करके आप यहाँ से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये यहाँ के परमानेंट आदमी इनसे मिली है, क्या नाम है जी आपका? जी आराम जी, और ये यहाँ पर भाई साहब बैठे, आपका क्या नाम है जी? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, थोड़ा सा मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ, तो ये काफ़ी बड़ा किला है और अगर इसमें घूमना चाहें तो घूम भी सकते हैं, उसके लिए 250 रुपये का टिकट लगेगा। तो अभी हम इसमें नहीं घूमेंगे क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा वक्त भी नहीं है, हमें कुछ वीडियोज़ और बनाने हैं बाहर के। भैया जी कह रहे हैं यहाँ पर ये किला है देखने लायक, इसके अलावा हम यहाँ पर 3 सबसे बड़ी हवेलियाँ हैं मंडावा के अंदर वो यहाँ पर देखने लायक हैं, एक तो है मुरमुरी हवेली है ना, एक कौन सी झुंझुनू वाला है, और हवेली तो वैसे पुरानी है। अच्छा, लेकिन जो इसके बाहर जो काम है ना पेंटिंग वगैरह, हाँ पेंटिंग वगैरह ये अभी का बनाया हुआ, हम तो समझ रहे हैं कि शायद ये भी पुराना ही होगा। ये हवेली है 150 साल पुरानी, 150 साल पुरानी हवेली। अभी ये मोनिका रेस्टोरेंट है, बिल्कुल इस हवेली को कन्वर्ट में रेस्टोरेंट में किया हुआ मोनिका। अच्छा अच्छा, वो बनाया रखा है उन्होंने ऊपर ऊपर रेस्टोरेंट, अंदर इनकी फैमिली। अच्छा, हवेली को ज़्यादातर रेस्टोरेंट बना दिया क्या? एक्चुअली क्या क्या यहाँ पे जो हवेलियाँ ने इनके जो माली वगैरह ने वो तो बाहर रहते हैं, जैसे कलकत्ता बॉम्बे अमेरिका दिल्ली। सही है, ये हवेली है जिससे इन भैया के फोन में जो नाम लिखा हो ना झुंझुनू वाला गोल्डन हवेली, झुंझुनू वाला गोल्डन, हाँ झुंझुनू वाला गोल्डन पेंटिंग हवेली, ये दो हवेलियाँ हैं दो भाइयों की वहाँ तक। हाँ बिल्कुल, हवेली थी जिसको बोलते हैं आर्ट डेको। अच्छा, इसने पहले बनाया हुआ था सिनेमा हॉल, हाँ फिल्म चलती थी पहले, और अभी इसके मालिक तो बाहर रहते हैं कलकत्ता में। अच्छा, इसलिए ये हवेली कंप्लीट इनकी ताला लगा हुआ है, बंद है,
150 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे। वो सामने बोर्ड में लिखा है ना गोयनका डबल हवेली। अच्छा, और ये लेफ्ट वाली ना, ये है मुरमुरिया। अच्छा, जो आपने बताया था मुरमुरिया हवेली, मुरमुरिया ये है गोयनका डबल हवेली वो है, और ये भी गोयनका है। इन्हीं की तीनों हवेलियाँ ना ये सेम ही फैमिली की है, एक ही मालिक। अच्छा जी, तो ये तीनों हवेलियाँ इंक्लूड है, 100 रुपये में पर है। 100 रुपये में एक एक व्यक्ति देख सकता तीनों हवेलियों को। अभी हम मुरमुरिया हवेली की छत पर खड़े हैं। ये पीछे मुरमुरिया हवेली है और गोयनका हवेली, विश्वनाथ हवेली, तीनों हवेली हम देख चुके हैं अंदर से बाहर से। अगर ये तीनों हवेली आपको देखनी है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेरे दूसरे वाले चैनल पर विजिट करना होगा, जिसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो हम दूसरे वाले चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे, जब भी मेड फिल्म की शूटिंग लोकेशन का, उस वाले वीडियो में ये सारी हवेलियाँ आपको देखने को मिलेंगी। आप हमें सोडा पिलाएंगे? कौन कौन सा वर्ग है आपके पास? ऑरेंज है, फ्रूटियर है, लेमन टू है, स्ट्रॉबेरी है, मसाला सोडा है, मिक्सी है। देखो फिलहाल मौसम को देखते हुए तो ऑरेंज ठीक रहेगा। कितने का गिलास? 10 रुपये। 2 गिलास? 5 रुपये। ये भाई आगरा से वीडियो बना रहे हैं। कहा भैया कैसा लग रहा है? बस तुम बताओ ना, तुमको कैसा लग रहा? चकाटक चकाटक नहीं, वो कल देखा था, चकाचक महादेव, चकाचक महादेव एकदम चकाचक। आप हमें दोपहर से नोटिस कर रहे थे, हम इधर जा रहे थे, फिर इधर आ रहे, फिर इधर गए, फिर इधर आए। हम क्या है कि लोकेशन ढूंढ रहे थे, पहले इधर गए हम मंडा अभी भी, उधर कुआ भी है, फिर इधर गए, अभी किले में गए अंदर, किले से घूम कर इधर आ रहे। अब हम जाएंगे इधर, सारे घूमे आए हो, क्या नाम है इधर मुरमुरिया हवेली, वो सब अंदर से घूम घाम के आए, पूरा मंडावा घूम गया। यारे सावन की जगह कहीं कॉपीराइट ना लगा दे। अब सावन कहाँ है, अभी आने वाले हैं। अरे सावन में कहाँ टाइम लग रहा है? अरे ना जाएगी क्या, कहाँ जाएगी? अरे फतेहपुर से जाएगी, फतेहपुर 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 आ जा। प्राइवेट बस में अपन पहली बार बैठ रहे हैं प्राइवेट बस में, अब तक हमने रोडवेज बस में सफर किया। चलो भाई चलो चलो चलो। आगे बैठ रहे हो क्या? समझ गए क्यों? क्या वीडियो के चक्कर में वीडियो बना के यहाँ पे मस्त आप फोन नीचे कर लो भाई साहब, वीडियो बन रही फोन की। भाई साहब हॉर्न कितना तेज है गाड़ी में। इस पानी में घुसना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अरे भाई, और कहाँ ला रही है? कहाँ है? अरे ये कह रहा हूँ पानी में घुसना ही पड़ेगा, अब तो अब पार ना पड़े। ओ भाई साहब, वो किनारे किनारे चलते हैं, ऐसे नहीं भीगना। सुनो इधर आओ, वो किनारे पे पहुँचते हैं किनारे पे। भैया देखो सजेंद्र भाई घुस गए यार उसमें।
जूते वूतों का कोई ख्याल है नहीं। ऐसे निकलो इसके सारे सारे, अरे सीधे चलो बिल्कुल। ये कहाँ हो रहा है भैया, देखो कितना पानी पानी कर दियो। क्या पाओगे भैया? मैं नहीं आ रहा। एक काम तो बढ़िया हो गया, बारिश तो ही है लेकिन हमारे फतेहपुर पहुंचने से पहले हो गई। मंडावास चले थे उसके बाद जब बस में हमने सफर किया ना, तो आधे बस के सफर में बारिश होती रही और यहाँ आके देखा तालाब भर गया पूरा। तो अभी टाइम हुआ है 3:52 हुए। तो फाइनली अभी हम रूम पर पहुँच गए, अभी प्रदीप को बुलाते हैं और दो कप बढ़िया सी चाय मंगवाते हैं। आपको बताएं प्रदीप कौन है, यहाँ पे एक लड़का है जो काम करता है प्रदीप, वो उससे गए चाय मंगानी है, चाय खाना मंगाना है, खाना मार्केट से कुछ और मंगाना है सामान, मतलब सारी सुविधा प्रदान करता है फिर। शाम के 7 बजने वाले हैं और जब से हम रूम पर आए हैं तब से लाइट नहीं आ रही है, जनरेटर चल रहा है। वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन जनरेटर की आवाज़ जब आती है ना तो दिमाग घूम जाता है। अब देखिए इधर से एक ऑटो निकल रहा है, ये भी काफ़ी डूब चुका है। आज शाम के खाने का ऑर्डर हमने रूम से दे दिया है, एक अंकल जी आए थे तो टिफ़िन की कह रहे थे कि हम टिफ़िन लगाते हैं, तो आप बताइए, हमने कहा टिफ़िन ले आइएगा। टिफ़िन में बता रहे थे मटर पनीर की सब्ज़ी, दाल और 6 रोटी, और टिफ़िन भी सस्ता ही बता रहे थे 70 रुपये का। तो अविन भाई कह रहे हैं चलो आज टिफ़िन ही मंगा लेते हैं, तो देखते हैं टिफ़िन में आज कैसा खाना आता है। अविन भाई सो रहे, इनको जगाया था फिर सो गए, चाय ठंडी हो जाएगी फिर जीवन के सफर में। हमारा टिफ़िन आ चुका है और लाइट जा चुकी है, अभी जनरेटर भी चालू नहीं हुआ है। तो ये ऐसा टिफ़िन आपने देखा अपन भाई कभी? ऐसा टिफ़िन देखा आपने इस प्रकार से? मैं तो आज पहली बार भाई खा रहा हूं। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ टिफ़िन का सिस्टम यार, इसमें मटर पनीर, इसमें दाल, इसमें ये सलाद वगैरह, और यहाँ पर ये जूते गए भीग, चप्पल हमारे पास है नहीं, नंगे पैर बाहर जाना पड़ेगा और बाहर जाना है बहुत ज़रूरी। रात्रि के 9 बजने वाले हैं, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आ गया जो मैं रूम से बाहर आना पड़ा है, जो भी एकदम नंगे पैरों। तो अभी हम आए हैं कुछ मीठा खाने, रात्रि के भोजन के बाद जब कुछ। भाई साहब मेरा ब्लॉग बनवा देते हैं बढ़िया यार, तो ओ भैया तुम रुक जा। अरे यार ये कुछ ना करने देंगे। तो रात्रि के भोजन के बाद जब कुछ मीठा खाते हैं तो उसको अंग्रेजी में सफ़र बोलते हैं, तो वही खाने अब हम आए। 9 बजे वहाँ वो आंटी करेगी जल्दी आ जाए, 10 बजे गेट बंद। हाँ तो 8:50 होगी, 10 मिनट बाकी 9 में। तो भाई साहब 10 बजे तो गेट बंद होगा। फालूदा है इसके पास और क्या क्या भैया, देखो मेरे फालूदा में चेरी मत डालियो भाई साहब। अभी हमने खाना खाया था तो उसमें 2 रोटियां बच गई, अंकल जी 10 रोटी लाए थे उसमें से भी 2 बच गई, और ये खिला देते हैं इनके लिए यार, ये तो बहुत सारे हैं कैसे बटवानेगा, चलो एक किसी को खिला देते हैं। ओ ये खा गया दोनों को, कोई दिक्कत नहीं।